हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 2.2। और ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इजी है और समझेंगे इस एक्सरसाइज को हम सभी लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई। देखिए, मल्टीप्लाई आप क्लास फर्स्ट से ही सीखते आ रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे होंगे, तो मल्टीप्लाई आप इजीली आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें आती हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका मल्टीप्लाई का फर्स्ट क्वेश्चन है -18/3। यस, इसको मल्टीप्लाई करना। देखिए, मल्टीप्लाई का साइन कैसा होता है ये आपको पता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54, बट आएगा किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस है। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और भी मैं इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है -14/4, -4। ओके, ठीक है, तो 14, अब देखिए पहले सबसे पहले साइन चेंज कर लेंगे, -14/ की जगह मल्टीप्लाई हो गया -4, अब 14 4 56, बट माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, अंडरस्टूड है। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। सेकंड का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, सेकंड में देखो कैसे करना है। सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, सेकंड का फर्स्ट है -7/-3/-8। यस, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 20, माइनस माइनस का प्लस हो गया, मल्टीप्लाई -8, और इसका क्या आएगा, 168 माइनस का आएगा लेकिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन टू यानी कि सेकंड के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली। ओके, फर्स्ट और सेकंड के आप कर लेंगे। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ। एक फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इजी मेथड भी बता देता हूँ। +6 (+-4) (+9). ओके, राइट, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपने स्टडी किया होगा बोर्ड मास, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इस क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं और उसके बाद फिर बी ऑफ ऑफ को करते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, इस तरीके से। देखिए, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करते हैं इसमें, क्योंकि ये देखिए माइनस में ऑलरेडी है पहले से। 6 4 6 4 24 24, ये माइनस का आ गया, ये प्लस यहाँ पे आ गया, 9 4 36। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -24, पहले इसका साइन चेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते, +-36। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट आएगा कितना, 60, वो भी माइनस में। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था और कि प्लस माइनस के किस तरीके से रूल्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है बैक साइड में, आप प्रॉपर्टी देख लीजिए। मैं कभी और डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टी के चैप्टर के बारे में, प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है, आप प्रॉपर्टी के नेम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज, ये हमारी कंप्लीट होगी एक्सरसाइज नंबर 2.3। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे, ये भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इट्स सो सिंपल एंड सो इजी। देखिए, इसमें हमने मल्टीप्लाई के बारे में स्टडी किया है और इसमें हम अब स्टडी करेंगे डिवाइड के बारे में। डिवाइड सो सिंपल, यू कैन डू इजीली। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट -144/12। ओके, राइट, देखिए -4/ यहाँ डिवाइड आ गया 12। अब 12 से डिवाइड 144 में करना, तो कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम, ठीक है, माइनस का जाएगा। इस तरीके से आपको डिवाइड करने, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। जीरो में किसी चीज़ का डिवाइड देंगे तो जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। अब देखिए एक क्वेश्चन में इसमें फाइव और समझा देता हूँ आपको, फाइव एक बार और समझ लीजिए इसका आप, -15/-1, राइट। देखिए -15/ मतलब डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करना, -1, अब -1 से डिवाइड -15 में करना है तो क्या आएगा, 1 का 15, बट आएगा किसका, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके ठीक है, तो ये आपका मैंने एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट कर दी आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन डू इजीली, बहुत ही सो सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जिसका डिवाइड करना है डिवाइड करना है, मतलब एक दूसरे में डिवाइड कर देंगे तो दूसरा आंसर आपको मिल जाएगा, ऐसे लास्ट में आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दूसरे का आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 भी आपकी कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर में आपको आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।